शिकायत संग्राम में बगावती तेवर जारी। मायावती के करीबी ने हाथी की छोड़ी सवारी। भाजपा की सेंधमारी विरोधियों पर भारी। निकाय के संग्राम पे रूठे नेताओं को मनाने में सपा और बसपा पूरी तरह से फेल नजर आ रहे हैं, जिसका कारण भाजपा की इन पार्टियों में सेंधमारी जारी है। बुधवार को मायावती के करीबी रहे गौतम भाटी ने हाथी की सवारी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया, जो चुनावी मौसम में बसपा के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है। बसपा के मेरठ मंडल के कोऑर्डिनेटर रहे गौतम भाटी के साथ सपा के पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा, उन्नाव के सपा ब्लॉक प्रमुख रही संध्या सिंह पटेल, उन्नाव के वरिष्ठ सपा नेता रहे विवेक सिंह पटेल और सपा महिला सभा की नेता रही शीला सिंह को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने लखनऊ में पार्टी में शामिल कराया। ऐसे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों का और सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में अलग अलग दायित्व निभाने वाले ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का मैं आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित होने पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को योगी जी के और मोदी जी के नेतृत्व में और राजनीतिक रूप से जो हमारे एजेंडे हैं, हमारे काम हैं, उन कामों को पूरा करने के संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। टिकट को लेकर हो रहे बगावत से हर राजनीतिक दल परेशान है, लेकिन सपा और बसपा में बगावत का डैमेज आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। ऊपर से भाजपा की सेंधमारी से निकाय के संग्राम में विरोधी पार्टी की स्थिति डिरेल होती नजर आ रही है। ऐसे में इस डैमेज को कंट्रोल करना सपा और बसपा के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि 2023 की ये लड़ाई 2024 के लोकसभा चुनाव की भी दिशा और दशा तय करने वाली है।